तो रहना खाना फ्री रहेगा सब कुछ सब कुछ। स्टाइपेंड क्या? हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों अभी इस समय हम नोएडा में हैं और आज हम आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो कि दिल्ली का भी होने वाला है और अलग लोकेशन का भी होने वाला है। ये जॉब काफ़ी बेस्ट होने वाला है उन भाइयों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे कि ये जो वीडियो है आपके हित में हो रही है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जिस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं। जी मेरे भाई, आप हमें देख रहे हैं ना, तो हमारी बातों को सुने और समझें कि हम कह क्या रहे हैं। देखिए, बोलने वाले तो सब होते हैं पर करने वाला कोई नहीं होता। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें, कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए भी होती हैं। इसलिए जो हम बताते हैं वो सिर्फ सुनना नहीं होता, उस पर चलना भी होता है, उस पर अमल करना भी होता है। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारी इनकी बहुत सारी वीडियो आई है और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी इन्होंने दिया। तो सर हमारे साथ है और एक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो अभी सर अगर हम बात करें, अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी हम ऑडियंस को बताने वाले हैं सर? देखो अभी हमारा है, वैसे तो आज की डेट में आपने देखा होगा रेस्टोरेंट चेन्स में और हमारा FMCG में बहुत सारे ब्रांड्स आए हुए हैं, लेकिन आज हम जिस ब्रांड के साथ काम करना बता रहे हैं या जिस ब्रांड्स के साथ हम जाने वाले हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और मेरा ये मानना है और हमारी कंपनी का कि जो बच्चे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आगे नहीं पढ़ पाते, पढ़ नहीं पाते, जो बढ़ नहीं पाते बिना एजुकेशन के, हमारी कंपनी आज की डेट में उन्हें एजुकेशन देने के लिए तैयार है और वही चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो ये क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है या अलग टाइप का करियर ग्रोथ कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी? देखो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई भी रहेगी और उसकी जॉब भी रहेगी। इसमें सबसे बढ़िया ये रहेगा, बच्चा जब मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुने कैंडिडेट, ताकि उसे अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पे रहेगा क्या, कैसे वो करेगा और कैसे वो होगा। फर्स्ट हम इसे बता देते हैं कि हम इसे बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस ऑन जॉब ट्रेनिंग में हमारा क्या है कि 6 महीने का डिप्लोमा है ये। 6 महीने बच्चा हमारे साथ रहेगा दिल्ली में ही, और हमारा हॉस्टल है वहीं पे, बच्चे का रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी वेयर करेगी और कंपनी हॉस्टल में रहेगा, वहीं पे तीनों टाइम का उनका खाना पीना है, सब कुछ वहीं रहेगा उनका, और वहीं पे उनकी ट्रेनिंग होगी। और जैसे जैसे वो रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, वहीं पे वो बच्चे अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी लेंगे। इस ऑन जॉब ट्रेनिंग पे और एजुकेशन में, इसमें जैसे ही बच्चा 6 मंथ की ड्यूरेशन करता है, उसको एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसे नॉर्मली अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से बच्चे को पढ़ने के बोले या कोई भी करने की सोचे, सो 1 साल में भी लगभग 2-2.5 लाख रुपये लग जाते हैं। यहाँ बच्चे को किसी को कुछ भी नहीं देना, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना पीना रहना सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दूंगा और साथ में स्कॉलरशिप भी मिल रही है बच्चे को। इन 6 महीने में 30,000 की स्कॉलरशिप है बच्चे को, यानी कि हर महीने 5,000 रुपये मिलेगा उसको। जो हम दे रहे हैं फैसिलिटी वो एजुकेशन दे रहे हैं। अब इसमें बच्चे के लिए होने वाला क्या है, ये सबसे बेटर है। देखो बच्चे आज की डेट में क्या है, 10वीं या 12वीं का बच्चा ना, उसे ये नहीं पता होता ज़िंदगी अपनी कैसे जीनी है, उसने आगे कैसे बढ़ना है, इंडस्ट्री में कैसे टिकना है या समाज में कैसे रहना चाहिए। हम लोग पर्सनल ग्रूमिंग है उसकी, इसकी कम्युनिकेशन है, कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, कस्टमर्स के साथ कैसे बातचीत करनी है, ऑर्डर कैसे लेना है या बिलिंग है जो उनकी, जो हमारी जो बच्चे रहेंगे वहाँ पे जो बिलिंग करेंगे वो कैसे करनी है, वो सब कुछ सिखाएंगे हम। पर्सनल ग्रूमिंग है, बच्चे को कैसे रहना चाहिए। आज की डेट में रहन सहन भी, एजुकेशन भी बहुत टफ हो गई है, वो तौर तरीके सीखना बच्चे के लिए ज़रूरी है। जब वो सीख जाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अब बात आती है ये सारी चीज़ें जो ये वो कंप्लीट करे तो अच्छा हो जाएगा बच्चे के लिए। तो इसमें क्या कोई एज क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है सर? क्राइटेरिया मिनिमम 17.5 साल का बच्चा हो और 30 साल तक हम ले लेते हैं। 17.5 से 30 साल का बच्चा मिनिमम 10वीं पास हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, हम ट्रेनिंग देंगे, हम उसे सारी चीज़ें करेंगे। जैसे ही बच्चे की 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वैसे ही बच्चा ऑटोमेटिकली जिस कंपनी से करा रहे हैं हम, मैं बता देता हूँ बहुत बड़ा ब्रांड है, बारबेक्यू नेशन है, बच्चा अगर चाहे तो साइट पे जाके चेक कर सकता है। दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, दुनिया भर में बहुत बड़ी चेन है हमारी, जहाँ पे हम स्नैक्स है, फास्ट फूड है, कॉकटेल है, मॉकटेल है, ड्रिंक्स हैं, वो सब कुछ हम रखते हैं हमारे उस पर, और बच्चा वहीं सीखेगा सारा कुछ। इस इंडस्ट्री में क्या कि मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे ने पढ़ा, उसके पास तो HM का डिप्लोमा आ गया होटल मैनेजमेंट का, किसी भी होटल में जाके इंटरव्यू दे सकता है। एक होटल में जाने के लिए बच्चे के पास HM का डिप्लोमा होना चाहिए,
वो ही मैं दे रहा हूँ, वो मैं ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ नहीं, हालांकि कंपनी की हमारी अपनी गारंटी और गवर्नमेंट की भी कि जैसे ही इसका 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा बच्चा ऑटोमेटिकली हमारी जॉब पे आ जाएगा। अब बच्चा जॉब पे आ गया ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, 8 घंटे की जॉब है, महीने में 26 दिन काम करना है, 1 दिन पेड लीव है, यानी कि 25 दिन अगर वो काम करेगा तो उसका पूरा सैलरी आएगा, उसका टोटल PAF, ESIC, मेडिकल एम काट के 8 घंटे का 14,000 रुपये सैलरी आएगा, और तीनों टाइम का खाना कंपनी देगी, ये बेटर है उसके लिए। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आफ्टर 6 महीने के बाद, हाँ, जैसे 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई ऑटोमेटिकली उसे जॉब मिल गई, जॉब में उसे 14,000 सैलरी मिल रहा है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, और बच्चा एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है जहाँ उसकी अपनी लाइफ बहुत आगे बढ़ने वाली है। आज की डेट में आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री में बूम है, KFC क्या था जब आया था, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हार्ट है, आपका KFC है, चिलीज़ है, कहाँ पहुँच गया आज की डेट में ये रेस्टोरेंट, हर एक मॉल में है। तो वो तभी तो बढ़े हैं, धीरे धीरे जैसे बच्चे बढ़े उनके साथ वो भी बढ़ते रहे, सो सेम चीज़ यहाँ है। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहिए, मान लीजिए वो बंदे आते हैं तो 6 महीने तक तो रहना खाना फ्री रहेगा सब कुछ, सब कुछ, स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, क्योंकि भाई स्टाइपेंड पॉकेट मनी भी हम इसे बोल सकते हैं कि स्कॉलरशिप जैसे गवर्नमेंट दे रही है, कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है और यहाँ भी हमारी कंपनी दे रही है, सो हर महीने उसे 5,000 रुपये मिलेगा, 5,000 रुपये 6 महीने तक, 6 महीने तक हर महीने मिलेगा उसको। उसके बाद जो है उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चा जॉब पे आ जाएगा, उसका जॉब पे मैं दोबारा बच्चों को बता देता हूँ ताकि उन्हें इजी रहे, PF ESIC काट के 8 घंटे 26 दिन का सैलरी आता है 14,000 रुपये अकाउंट में, और तीनों टाइम का खाना कंपनी देगी, क्योंकि 2-8 घंटे हमारे पास है तो 2 टाइम का खाना तो यहीं हो गया, बाकी घर जा रहा खाना खाया और घर निकल गया। किस किस लोकेशन पे अपने पास ही कंपनी? हाँ, अब ये है कि बच्चा चाहे कहीं का भी हो वो लोकेशन पे ट्रेनिंग तो हमारे पास ही करेगा दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, लेकिन जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जब डिप्लोमेंट के लिए हमारे पास 4 लोकेशन है, बच्चा दिल्ली भी कर सकता है, बच्चा मुंबई भी कर सकता है, बच्चा पुणे भी कर सकता है, और बच्चा लखनऊ भी कर सकता है। महाराष्ट्र में हम बात करें तो 2 लोकेशन है, UP में बात करें तो 2 हो गया, दिल्ली NCR है तो नोएडा और लखनऊ, दिल्ली है ही, सो ये लोकेशंस हैं, इन पे बच्चा ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही जो बच्चा जिधर का है वो वहीं करेगा अपना। कहने का मतलब है कि मैं आपको संक्षिप्त बता दूं खुले शब्दों में कि भाई 6 महीने पे एज ए ट्रेनिंग पे आप रहोगे रेस्टोरेंट में, जो आपकी स्टाइपेंड रहेगा स्कॉलरशिप वो 5,000 पर महीने का रहेगा, प्लस रहना और खाना, 3 टाइम खाना और रहना फ्री रहेगा 6 महीने। आफ्टर 6 महीने के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो सैलरी रहेगी 17,000, PF ESI काटने के बाद इन हैंड 14,000 मिलेगी, इसमें भी आपको 3 टाइम खाना फ्री मिलेगा, रूम आपका रहेगा। दूसरी बात, आपको जिस लोकेशन पर, मान लीजिए अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर चाहो कि मुझे, मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ, लखनऊ में ही चाहिए जॉब, है ना, 6 महीने के बाद, या मैं मुंबई का हूँ मुंबई में चाहिए, या मैं देहरादून का हूँ देहरादून में चाहिए, या तो मैं पुणे का हूँ, तो ऐसे में उनको उनके लोकेशन पे ही दिया जाएगा। बिल्कुल, हर एक लोकेशन पे 170 बंदे, यानी कि 170 कैंडिडेट, 170 कैंडिडेट में हमारे पास रेशियो है 50-50, मान के चलो कि 170 है, सो 170 में वही 70-80 बंदे लड़कियां और 70-80 लड़के, मेल फीमेल दोनों, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज होने वाला है, सही बता रहा हूँ, अगर हमारी सैलरी 12,000 से 13,000 हो गई नॉर्मली 8 घंटे की, तब भी रहना खाना काट के अगर हम देखेंगे तो इन्हें 5-6 हज़ार ही बचते हैं, है ना सर, इतना ही है, लेकिन फिर भी ये देखे ना कि उसका करियर बढ़ रहा है, एटलीस्ट उसके पास एक ऐसा डिप्लोमा आ रहा है कि वो जिसे अपना करियर ग्रोथ देख सकता है। होटल इंडस्ट्री में या किसी भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए अगर उसके पास ये डिप्लोमा है, आपने देखा है और आज की डेट में हर एक मॉल में खाने का कितना क्रेज है, हम भी हों या आज की डेट में हमारी जनरेशन है, चाहे वो किसी भी लोकेशन, चाहे वो किसी गांव देहात से आता हो, लेकिन जब भी वो शहर में जाता है तो वो ये सोचता है कि अच्छी जगह कुछ खा के जाऊँ, सेम चीज़ है। सो करियर ग्रोथ बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ी लाइन है जहाँ सीख सकता है। और आप लोग ये मत सोचना कि सरार भाई कम स्टाइपेंड वाली या कम सैलरी वाली, ये आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, ये आपको एज अ कंपनी या एज अ कह सकते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप जो हमारे को मिलता है बिल्कुल वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, पढ़ाने की भी कंपनी आपको पैसा देगी। सर आजकल आज के रेट में ना अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करने जाओगे तभी 2-4 लाख लग ही जा रहे हैं, इसमें आपको फ्री में आपको डिग्री भी मिलेगी साथ ही साथ ज्वाइनिंग की भी पूरी गारंटी ले रहे हैं। अब क्या लोगे आप, 6 महीने में आपको 30,000 रुपये मिल रहा है, रहना खाना सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं करना चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं 6 महीने तक ही आपको टाइम देना है, उसके बाद आपकी तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी अच्छी खासी, है ना, साथ ही साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अप्लाई करने की लेटर तो उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से बच्चा ज्वाइन करेगा। अच्छा। उस पर साफ लिखा होगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ यू विल गेट 5,000,
आफ्टर सिक्स मंथ यू विल गेट दैट मच सैलरी, सब कुछ ऑफर लेटर पर लिखा होगा, सब कुछ क्लियर रहेगा। यहाँ ऐसा है ही नहीं कि कॉलेज ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग करा दूंगा, प्लेसमेंट करा दूंगा, फिर वहाँ कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू होता है, फिर वो होता है, जिस फर्स्ट डे जाएगा उसी दिन इंटरव्यू हो जाएगा, उसी दिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसी दिन से उसका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। वो शुरू में वो सैलरी 5,000 है, वो हमारा स्कॉलरशिप है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली उसे जाना कहीं नहीं है, उसे सिर्फ लोकेशन बतानी है कि मुझे इस लोकेशन पर जाके काम करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई नौकरी के साथ। सर अप्लाई कैसे करेंगे? मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ, जैसे हर पिछली वीडियो में भी बच्चों को नंबर चले जाते हैं हमारे, वो नंबर देखेंगे और मुझे कॉल करके बता देंगे, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा डेट वाइज उनको डेट बता देंगे, आके बैच अपना स्टार्ट कर लेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये है ना कि मान के चलो कि मेरे पास लखनऊ से ही चलो 30-40 बंदे आ गए, अब लखनऊ में ना करते करते 20-22 मॉल हैं, एक मॉल में 5-7 बच्चे इकट्ठे हो गए, उनका मन नहीं है, लखनऊ से छोड़ो दिल्ली का बच्चा है, वो यूपी में किसी लोकेशन से या बिहार से आ रहा है, 5 बच्चे आए, एक 5 बच्चे एक रेस्टोरेंट में लगे नियर बाय, 5 बच्चे अपना एक रूम ले लो, 4-5 हज़ार रुपये में ख़त्म, खानी टेंशन ख़त्म है खाने की, खाना तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बच्चे की, खाना तीनों टाइम का खाना है कंपनी की तरफ से, सो यहाँ ये बेटर है बच्चे के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई सराट को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।